हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रिया लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं तो ठीक नहीं हूँ, लेकिन अभी ठीक हूँ। और मेरा फेस देख के आप लोगों को लग रहा होगा मुझे रात भर बहुत ज़्यादा फीवर था, इसलिए मैं मतलब वीडियो नहीं शूट कर रही थी। कम से कम 3-4 दिन से एक भी वीडियो नहीं शूट किया है। जो भी था वो पुरानी वीडियो थी, तो अभी लेकिन मैं कंटिन्यू करूँगी। अब थोड़ा सा ठीक हो गई हूँ और आज मैंने अपना किचन दिखा दिया, आप लोगों को क्लीन किया है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया करेगा, इस आप लोगों के सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। तो आप लोग चलो वीडियो देखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है? बाय बाय। तो यहाँ पे किया है मैंने आज किचन को क्लीन। ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ आज पहली बार शेयर किया है, बहुत सारे लोग बोलते हैं तो इसलिए। और यहाँ पे गाइस छोटा किचन ना, तो मेरा शरीर कट जाता है, क्योंकि जो है जब ट्राईपोड हम जहाँ रखते हैं तो वहाँ से कट जाता है, मतलब नहीं सही से हो पाता है, तो उसके लिए सॉरी। और ठीक है, हमारे मतलब छोटी फैमिली है तो उस हिसाब से ठीक है। और ये आप देख सकते हो, तो यहाँ पे जो है अभी सुबह सुबह की मॉर्निंग की समय हो रही है और नमन को स्कूल जाना है, तो ये सब करके ही मैं डेली तब फिर जाऊंगी अपना नहाने, और फिर नहा के आऊंगी तभी मैं इनके लिए लंच तैयार करूंगी। तो ये सुबह का मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है। सुबह का सबसे पहला काम मेरा यही होता है, किचन को क्लीन करना। और क्योंकि मतलब झाड़ू तो पूरा लगा के तभी जाते हैं नहाने, जितना भी मतलब जहाँ तक झाड़ू लगाना होता है घर से बाहर तक। और ये दीवार पर जो है छिट्टे पड़ जाते हैं ना, तो मतलब ये एक तो सफ़ेद कलर का है टाइल्स, तो और जल्दी मतलब पीला पीला दिखने लगता है। तो इसको मतलब डेली तो नहीं, लेकिन एक दो दिन में मैं साफ़ करती रहती हूँ। और क्योंकि सफ़ेद है तो अगर इसको दूसरे दिन नहीं कर, कभी कभी ऐसा होता है कि डेली कर देती हूँ जैसा टाइम होता है। जब छुट्टी थी तब तो मतलब कोई वो नहीं था कि डेली करें या एक दिन बाद करें, जैसे ही मतलब जैसा भी टाइम होता था कर देती थी। और क्योंकि जब मसाले वाली सब्जी बनती है ना तभी वो छिट्टे पड़ते हैं, बाकी तो ऐसे नहीं, उतना जल्दी से गंदा नहीं होता। तो ये मैं कर लूँगी और इसके बाद अपना सीधा जाऊँगी नहाने, फिर आके लंच तैयार करेंगे, क्योंकि नमन को भी तैयार हम ही को करना होता है, वो खुद से तो तैयार हो नहीं पाते क्योंकि अभी इतने बड़े नहीं हैं, आप सभी ने देखा है। और गाइस मेरी वॉइस चेंज होगी और क्योंकि जो है मेरा तबीयत नहीं ठीक है और मुझे फीवर हो रखा है, और फिर इसके बाद खांसी सर्दी सब बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसी वजह से मैंने वीडियो एडिटिंग किया था तो म्यूज़िक लगा दिया था, तब मैं बिल्कुल भी नहीं मतलब आवाज़ निकल रही थी, एकदम गला मेरा एकदम गला ख़राब हो चुका था। तो इस वजह से तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे ही होती है मेरी क्लीनिंग। और अच्छा लगता है मुझे ये सब करना ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुबह मतलब बहुत सारे लोग मतलब मुझे किसी ने कमेंट किया था कि क्यों आप इतने बड़े पंडित हो गया कि आप जो है नहाने के बाद ही लंच बनता है आपके घर। ऐसा कुछ नहीं, हमारे घर में बात ये है ना कि शुरू से जो आपकी आदत लग जाती है वही होता है। तो शुरू से हमारे यहाँ यही था, जब मैं मायके में थी, ससुराल की तो बात ही छोड़िए, मायके में ही मेरे यहाँ ऐसा होता था कि जो है सब लोग सुबह नहा लेते थे। मैं नाना के पास रहती थी, मेरे नाना जी सुबह 4 बजे उठ के ही पूजा करते थे, तो वो जब पूजा से उठते थे ना तो उसके बाद उनको चाय चाहिए होता था। तो इसी तरीके से जो है नानी भी मेरी नहाती थी और मुझे स्कूल जाना होता था, तो मुझे भी मेरे नाना हमेशा बोलते थे कि जो है किचन में नहा धो के जाना चाहिए बेटा, ऐसे नहीं। तो वो आदत लग जाती है, जब आपकी जो बचपन से आदत लग जाती है ना वही आदत बनी रहती है, और फिर अच्छा भी रहता है ना। और मुझे लगता है जिस दिन मैं मतलब ऐसा करती हूँ ना कि किसी दिन अगर मतलब लेट हो गया और सोचा कि चलो ना चाय वाय पी लेते हैं और उसके बाद फिर अपना जो है काम निपटा लेंगे, आराम से नहाएंगे, उस दिन फिर मेरा पूरा दिन ना ऐसे निकल जाता है जैसे मेरा काम कितना काम हो गया है, ख़त्म ही नहीं होने का नाम लेता है। और जब हम सुबह नहा लेते हैं तो एकदम फ्रेश फ्रेश फील करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और काम भी ख़त्म हो जाता है तो अच्छा लगता है। इस तरीके से अपनी अपनी जो आदत होती है उसी तरीके से करते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हम बहुत बड़े पंडित हैं और ये हमारा वो है। हाँ हम लोगों के यहाँ होता है, ऐसा होता है कि
जो है मतलब जिनके मतलब जिनके घर में बुजुर्ग हैं हमारे पेरेंट्स हैं जो, वो ऐसा होता है कि हाँ अगर मतलब नहाने के पहले किचन में नहीं जाया जाता, नहीं तो वो नहीं खाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में ऐसा ही होता है। ये शहरों में तो नहीं है लेकिन गांव में ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं पंडित हूँ लेकिन मतलब मैं पंडित हूँ लेकिन जो आप लोग बोल रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आप लोगों को क्या जवाब दूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग क्या बोल रहे हो। तो बस कुछ आदत होती है, वही आदत है और ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज मैंने आप लोगों को केवल किचन क्लीनिंग का दिखाया, और ये देखो नीचे जो सारी पॉलीथीन दिख रही है ना, ये सारे मतलब ऐसे ही कूड़े, रात को मैंने कचौड़ी बना दी थी तो थोड़ा सा मतलब बच गया था, कितना भी बनाओ ना तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो बच गया था, तो ये उधर पॉलीथीन में रखी हुई है। अब रात का है तो सुबह जो है अब ले जाएंगे, तो अभी स्कूल जाएंगे तो ऐसे लेके जाएंगे और गाय को दे देंगे। और ये रात को सब्जी वगैरह सब मतलब मिर्च उर्च सब वो किए थे, तो ऐसे ही मतलब जो ख़राब था ऐसे भर के रख दिए थे, और इसके बाद अब इसको जो है डस्टबिन में भर के रख देंगे। और क्योंकि ऐसे ही लोग कूड़ा फेंकने ले गए थे ना, और इसके बाद वहीं बाहर ही रख दिया, और शाम को मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए पॉलीथीन में पड़ी हुई है। आप लोग कमेंट करोगे, और इसके पहले मैं बोलूँगी, ये देख लो इतना छोटा भी नहीं है किचन मेरा, और मतलब बहुत बड़ा भी नहीं है। फैमिली के अनुसार से ना जितनी मेरी फैमिली है उस हिसाब से ठीक है, और मुझे उतना बड़ा ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ खूब बड़ा सा घर हो और खूब बड़ा सा किचन हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ अभी जो है ना मतलब जैसा अभी है ऐसा मुझे अच्छा लगता है, कि कम से कम ये तो है कि चाहे बारिश हो चाहे जो मर्जी वो हो, कम से कम ये टेंशन नहीं रहती है कि हाँ अब हम खाना कैसे बनाएंगे या घर का काम कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। और अब मैं बाकी के काम बाद में करूँगी, इतना तो मैंने कर दिया है लेकिन अब बाकी के काम मैं बाद में करूँगी। अगर मैं ज़्यादा लग गई करने ना तो फिर मेरे बच्चे का लेट हो जाएगा, तो मैं अब जाऊँगी और इसके बाद नहाऊँगी, फिर आप लोगों से मिलूँगी अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी होगी। आप लोग 8 मिनट की वीडियो रहती है उसी को फुल वॉच नहीं करते हो गाइस, बहुत बुरा लगता है, बहुत मेहनत लगती है बस वीडियो बनाने के लिए ना, जहाँ मुझे अगर मैं 6 बजे सुबह उठती तब भी आराम से नहा धो के और लंच बना के बच्चे को तैयार करके मैं पहुँचा देती स्कूल, लेकिन मुझे वीडियो भी करना होता है इसलिए आधे घंटे पहले उठती हूँ, कि हर जगह जो काम करेंगे, ट्राईपोड लगाना है, एक एक क्लिप शूट करना है, तो काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप लोग सपोर्ट किया करें, और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है, अच्छे अच्छे कमेंट किया है, उसके लिए थैंक यू, दिल से शुक्रिया आप सभी का। और मैं नाम भूल गई एक लोग का, आज कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो बस थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, बाकी तो कोई और सपोर्ट नहीं करता लेकिन आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, इसके लिए थैंक यू। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें ताकि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाऊँ और लाइफ में आगे बढ़ पाऊँ गाइस। तो मिलती हूँ आप लोगों से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।